आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम पूड़ी, जिसके लिए 2 कटोरी मैदा लिए हैं, 2 कटोरी चीनी लिए हैं, 2 चम्मच सूजी लिए हैं, आधा कटोरी बादाम लिए हैं, 1 कटोरी दूध लिए हैं और घी लिए हैं 1 कटोरी। मैदा पूड़ी बनाने के लिए पहले हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए 2 कटोरी चीनी इसमें डाल दिए हैं। दो कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको गैस पर चढ़ा कर इसको गरम करेंगे। इसको चलाते रहेंगे, इस तरह से चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनता है तब तक हम बादाम को पीस लेंगे। ये बादाम को भिगो कर रख दिए थे, इसको इसका छिलका निकाल दिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार में लेकर इस बादाम को पीस देंगे। इसमें दूध डालकर इसको पीस देंगे। बादाम हमारा पिस गया है, देखिए बादाम हमारा पिस गया है। अब हम मैदा को इसमें डाल देते हैं। और ये 2 चम्मच सूजी भी डाल देते हैं इसमें और इसको मिला देते हैं। अब हम मोहन के लिए इसमें घी डालेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा अभी चाशनी तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। मोयन इसमें मिला लिए हैं, देखिए इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए, इतना मोयन इसमें डाले हैं। अब हम इसको गूंदने के लिए इसमें ये बस इसमें बादाम का पेस्ट डाल देंगे पहले। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। हमारा ये मैदा गूंदा गया है, बादाम का पेस्ट से ही गूंदा गया है, इसमें पानी नहीं लगा है। अगर कम पड़ता तो पानी डाल सकते थे, लेकिन ये हमारा मैदा गूंदा गया है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, इस तरह से गूंदना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट हो गया है, अब हम देखते हैं। हम इसको बना लेंगे। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। अब हम इसको इस तरह से लोई बनाकर इसको इसमें मैदा इस तरह से लगा लेंगे।
इस तरह से मैदा लगाकर इसको बेल लेंगे। बेल कर इस तरह से एक कटोरी से गोल काट लेंगे। और इसमें घी लगा देंगे। घी लगाकर इस पर इस तरह से मोड़ देंगे। फिर इधर भी घी लगा देंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का बेल देंगे। इस तरह से सारे पूड़ी को बेल देंगे। चाशनी हमारा जमे नहीं, इसलिए हम आधा नींबू डालेंगे इसमें। सभी बादाम पूड़ी को बेल लिए हैं इस तरह से। अब इसको तलेंगे। अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में तेल गरम किए हैं। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं धीरे फ्लेम पर ही इसको बनाएंगे, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। अगर ज़्यादा गरम तेल में बनाएंगे तो कच्चा रह जाएगा, इसलिए धीरे फ्लेम पर ही बनाएंगे। इसको इस तरह से तल लेंगे। इसको पलटते पलटते इसको इस तरह से सुनहरा होने तक तल लेंगे। देखिए हमारा पूरी का कलर कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच डालेंगे। और इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए। और इसको चाशनी में डुबो देंगे। 3 मिनट तक चाशनी में डुबो कर रखेंगे। ये हमारा सुनहरा हो गया है। इसको हम फिर से निकाल लेंगे।
इसको चाशनी में 3 मिनट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसमें दूसरे बैच को डाल देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी है इसको ऐसे ही निकालने देंगे, इसको ऐसे ही रखे रहेंगे। देखिए हमारा मिठाई कितना टेस्टी बना है, देखिए इस तरह से, देखिए कितना क्रिस्पी और टेस्टी है ये मिठाई। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।